उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सीधा मीनिंग होता है इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना, मतलब पहला का जो कंडीशन था उससे थोड़ा अच्छा कंडीशन बन जाना, उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग स्कूल का एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, हम लोग स्कूल में बैठते होंगे तो देख हर बच्चा डिफरेंट मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। अगर हम 80% स्कोर करते हैं तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा, हम 90% स्कोर करेंगे या 95% स्कोर करेंगे, मतलब मेरा मार्क्स का जो परसेंटेज है उसमें इम्प्रूवमेंट मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट जो होता है हर इंसान के लिए डिफर करता है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान का सोच भी एक जैसा नहीं है और हर इंसान का सोच डेवलपमेंट के प्रति डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी अबाउट अ डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब हर इंसान के डेवलपमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो होगा डिफरेंट आदमी के लिए डिफरेंट तो होगा, उसके साथ साथ वो कन्फ्लिक्ट भी कर सकता है। मतलब एक एग्जांपल करके समझ सकते हैं इसको, मान लेते हैं कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ बिजली का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो बिजली का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बिजली हम लोग घर से ला के देंगे, ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डैम को सेटअप करना पड़ेगा। और माने तो हमने डैम बना लिया, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने डैम बनाएंगे तो डैम जो करता है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है, तो उस एरिया में जितने भी लोग रहेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किए गए, ठीक है, तो ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे लिए डेवलपमेंट हो रहा है मगर जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब डेवलपमेंट क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट कर गया दोनों आदमी का व्यू। उनके लिए डेवलपमेंट था कि वो वहीं गए और हम लोग के डेवलपमेंट था इलेक्ट्रिसिटी आना, इंडस्ट्री सेटअप करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट कर गया। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे हमने डेवलपमेंट के बारे में बात किया था कि किसी भी चीज़ में कुछ ज़्यादा सुधार आना, उसको हम लोग डेवलपमेंट कहेंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, नेशनल की इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा सुधार आना, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट, मतलब हम पूरा नेशन डेवलप कर रहा है, ठीक है। हमारे देश में तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जब ये तीनों डेवलप करेगा तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि हम लोग कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, कि जैसे हम क्लास में नहीं देखते हैं कि जब मार्कशीट आने वाला होता है पीटीएम के दिन, तो कोई बच्चा कहता है हमको तुमसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, वो कहता है हमको तुमसे ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो वैसे ही हमारी दुनिया में भी है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में रेस चल रहा होता है कि ये कंट्री आगे है तो ये कंट्री आगे है, ठीक है। तो हम वो कैसे कहेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, वो भी किसके बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर और डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में क्या था कि वो क्या करते थे, कंट्री को डिस्क्रिमिनेट करते थे, मतलब कंपेयर करते थे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। तो जब हम लोग कंपेयर करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ को इनकम के बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता था। तो कैसा प्रॉब्लम था, कोई कंट्री छोटा होता था, कोई कंट्री बहुत बड़ा होता था, तो जो बड़ा कंट्री होता था उसका मोस्टली क्या होता, मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्या होता था, उसका ज़्यादा इनकम होगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे और ज़्यादा लोग अर्न करेंगे, मतलब उसका क्या होगा, नेशनल इनकम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि अब हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे किसी भी कंट्री को इनकम के बेसिस पे, ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आया, तो लोगों ने पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्री को कंपेयर करना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ लोगों को लगने लगा कि पर कैपिटा इनकम जो होगा वो नेशनल इनकम से ज़्यादा अच्छा होगा। कैपिटा इनकम में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग का जो नेशनल इनकम होता है उसको हम लोग देश के पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है जो एक तरह का एवरेज इनकम होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने पर कैपिटा इनकम पे भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, तो देख रहे थे उनके उसके क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी कंपनी होते हैं, तो कंपनी में खास करके मल्टीनेशनल कंपनी जैसे अमेजन हो गया, उसका इतना ज़्यादा इनकम होता है वो किसी भी देश का नेशनल इनकम से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी भी देश में मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के कारण उस देश का नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर उस देश की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके साथ साथ उस देश का पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर फुली डिपेंडेंट है एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल्स पे। तो सवाल आती है कि पर कैपिटा इनकम का डिमांड कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक एक इंस्टीट्यूशन है या एक ग्रुप है जो डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है
कि कौन कंट्री कितना डेवलप है उसके लिए वो पर कैपिटा इनकम को यूज़ करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक रिपोर्ट निकालता है हर साल, ठीक है, जिसको हम वो कहते हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। उसमें वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को बांटता है, डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या अनडेवलप्ड कंट्रीज़, तो किसके बेसिस पे, ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। अगर हम लोग इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो 1840 है, जो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इंडिया को हम लोग लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जिसका इनकम 12,056 से ज़्यादा होता है, जैसे USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, और जिसका 955 से कम होता है उसको हम लोग लो इनकम कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो हमारे देश में बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे में से जो बच्चे एक साल के अंदर मर जाते हैं, और उन्हीं बच्चों में से हम लोग रेशियो निकालते हैं, प्रत्येक 1,000 बच्चा में से कितना बच्चा एक साल के अंदर मर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। बोर्ड हमसे ये भी पूछ सकता है कि लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट एक रेट है जो बताता है कि कितना हमारा पॉपुलेशन, मतलब कितना आदमी जानता है कि हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो हम लोग को एक रेशियो देता है कि कितना बच्चा हमारे देश में स्कूल जाता है और शिक्षा प्राप्त कर पाता है। क्लास 10 में बेसिकली हम लोग को 3 स्टेट्स को कंपेयर करना है, जिसमें हरियाणा है, केरला है और हमारा बिहार है। तो एक बार कंपेयर करके देखते हैं, तो पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा सबसे ऊपर है और बिहार सबसे कम है। ठीक है, अगर हम लोग इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट की बात करें तो सबसे कम बच्चा मरता है केरला में, मतलब वहाँ का हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सबसे ज़्यादा बच्चा मरता है बिहार में, मतलब वहाँ की बिहार की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है हेल्थ इश्यूज़ पे। ठीक है, तो लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला की बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है, मतलब वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लिटरेसी प्राप्त कर पा रहे हैं, और सबसे कम बिहार का है। तो अगर हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें, मतलब कितना बच्चा स्कूल जाता है, तो केरला में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाया करते हैं, मगर बिहार में बहुत कम बच्चे स्कूल जाया करते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल पसंद नहीं होता, और केरला में ज़्यादा बच्चा स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर कर लिया, वो भी किसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, और स्टेट्स को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया किसके बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो अब बात आती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की। तो हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ हम लोग को प्रोवाइड करवाती है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड करवाती है, हेल्थ केयर इशूज़ पर ध्यान देती है, थोड़ा क्लीनिनेस पर ध्यान देती है, हमारे लिए सही सही रोड प्रोवाइड करती है कि कम एक्सीडेंट हो, और डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी ओपन करवाती है, सरकारी स्कूल भी ओपन करवाती है। ठीक है, तो एक और गवर्नमेंट ने जिस चीज़ पे ध्यान दिया था वो था PDS सिस्टम। PDS सिस्टम को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, जिसके मदद से रूरल एरियाज में, मतलब गाँव के क्षेत्रों में लोगों को, वो भी जो लोग गरीब होते हैं, उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाया जाता था, वो भी कम रेट पे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, आप अगर गांव के क्षेत्र में रहते होंगे तो वहाँ पे राशन शॉप्स होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा अगर हम लोग पुअर हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का। ठीक है, तो अब टर्म आता है BMI क्या होता है, जिसे हम लोग बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स हम लोग को बताता है हमारा हेल्थ इशू बताता है। ठीक है, अगर हम लोग एडल्ट पर्सन है तो मतलब हम लोग के अंदर कुपोषण है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग अपने वेट को, मतलब अपने वजन को केजी में रखते हैं और अपने हाइट को मीटर में रखते हैं। अगर हम लोग को BMI निकालना है तो हम लोग अपने वेट को केजी में रख के उसे हम लोग अपने हाइट के मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का BMI निकल जाएगा। अगर हम लोगों का BMI 18.5 से कम है तो हम लोग अंडर नरिशमेंट है, मतलब कुपोषण के शिकार में है। अगर हम लोग का BMI 25 से ज़्यादा आता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, और जिसके कारण हमारे देश में भुखमरी फैल रही है, क्योंकि हम लोग सारे देश का खाना खाते जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने वजन पर ध्यान दें, अगर आपका वजन सही है तो आप फिट रहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को यूज़ करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो एक और इंस्टीट्यूट है, जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसा ही एक और है, जिसको हम लोग UNDP कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को भी कंपेयर करता है, वो भी किसके बेसिस पे, देख लेते हैं। तो वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ध्यान देता है,
हेल्थ स्टेटस पे ध्यान देता है, उसके साथ साथ एडुकेशन लेवल पे भी ध्यान देता है, फिर किसी भी कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। अगर आप मुझसे पूछेगा तो मैं सबसे ज़्यादा फेवर करूँगा UNDP का, क्योंकि ये डिफरेंट इशूज़ जो हमारे लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दे रही है, मगर वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेके बैठा ही हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं UNDP के बारे में और कुछ बातें। UNDP क्या करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालती है, जिसके तहत हम लोगों को पता चलता है कि कौन कंट्री का अच्छा स्टेटस है, कौन कंट्री का ख़राब स्टेटस है। अब हमारे कंट्री इंडिया का HDR में, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत 130वां रैंक आता है। ठीक है, जो बहुत उतना अच्छा स्थिति नहीं है हमारे देश का। तो फाइनली इस चैप्टर के लास्ट में एक टर्म आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है सस्टेनेबल, ठीक है, जो सस्टेन कर सके। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ फीचर्स होती हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो पहला फीचर्स होता है, इट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। मतलब हम लोग अगर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं या मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो एनवायरमेंट के साथ फैमिलियर रहे, मतलब एनवायरमेंट को ना ही ज़्यादा पॉल्यूट करे, ना ही ज़्यादा हार्म करे हमारे एनवायरमेंट की। दूसरा पॉइंट आता है, इट मस्ट बी एवेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक समय आएगा जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा, तो रिसोर्सेज का हम लोग को केयर करना चाहिए, और इस तरह से हम लोग को रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन में हमारे आने वाले जो लोग होंगे वो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। ठीक है, तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और तीसरा पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे देश में रिसोर्सेज या डेवलपमेंट जो है हर जगह पे नहीं हो पा रही है, या रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो हमारे देश में अगर रिसोर्सेज जुडिशियली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तभी हमारे अंदर, मतलब हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ पाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीनों पॉइंट को हम एक बार रिपीट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इट मस्ट बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट मस्ट बी एवरेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट मस्ट बी जुडिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फाइनली हम लोग का आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडियंस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें।